व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्पैनिश फुटबॉलिंग लेजेंड जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, जिन्होंने ला लीगा जीती है, जिन्होंने चैंपियंस लीग जीती है, तो मैं बात कर रहा हूं डेविड विया के बारे में। तो डेविड विया ने ज्वाइन किया है उड़ीसा FC को। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेविड विया तो एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी रहे हैं अपने टाइम के, तो उन्होंने खेलने के लिए ही ज्वाइन किया होगा उड़ीसा FC की टीम को। तो यहाँ पर आप थोड़े से गलत है, क्योंकि डेविड विया ने लास्ट सीजन फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली थी और डेविड विया ने खेलने के लिए ज्वाइन नहीं किया है उड़ीसा FC की टीम को। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर क्यों आया है डेविड विया, इसका यहाँ पर क्या काम। तो डेविड विया ने ज्वाइन किया है उड़ीसा FC की टेक्निकल कमेटी को अलॉन्गसाइड फॉर्मर कोच होसेफ गैम्बाओ, क्लब प्रेसिडेंट राज अथवाल एंड विक्टर ओनाटे। तो शायद आप लोगों को पता ना हो कि डेविड विया की एक कंसल्टेंसी फर्म भी है DV7 के नाम से, जिसके थ्रू वे क्लब्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से उनकी हेल्प करते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर भी डेविड विया का यही रोल है अलॉन्गसाइड होसेफ गैम्बाओ, विक्टर ओनाटे एंड क्लब प्रेसिडेंट राज अथवाल। इन लोगों का काम है उड़ीसा FC की फुटबॉलिंग और रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना और ढूंढना उड़ीसा FC के लिए बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट कोचेस एंड बेस्ट स्टाफ। तो ये रोल होगा डेविड विया का अलॉन्गसाइड विक्टर ओनाटे, होसेफ गैम्बाओ एंड राज अथवाल। तो ये चारों मिलकर फॉर्म करते हैं क्लब की टेक्निकल कमेटी और ये टेक्निकल कमेटी वेरियस काम करेगी उड़ीसा FC को आगे बढ़ाने में, उसको ग्रो करवाने में। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो, यही था आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, पीस आउट।